पूरा भारत लॉकडाउन से एक तरफ जूझ रहा है, जनता भय से अपने घरों में दुबकी हुई है, सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किए हुए है, पर इस महामारी के बीच भी अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। यकीन ना हो तो चलिए यह नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 2400 घंटे जुए का अड्डा चल रहा है, जहां रोज लाखों रुपयों की हार जीत हो रही है। इस जुए के अड्डे के मालिक का खौफ इतना कि आस पास के वासिंदे गलती से भी अपनी जुबान खोल दे तो उसकी भारी कीमत शिकायतकर्ता को चुकानी पड़े। इसी वजह से लोगों ने अपनी जुबान पर ताला लगा रखा है, खामोश रहना ही बेहतर समझा। इस जुए के अड्डे पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप अगर शराब और सिगरेट के शौकीन हैं तो इस जुए के अड्डे पर आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए पूरा इंतजाम किया गया है ताकि खेलने वाले को कोई दिक्कत ना हो। इस जुए के अड्डे के चार लोग मालिक हैं। यह नेरुल सेक्टर एक में दीपिका बार के सामने चल रहा है, जिसकी शिकायत कांग्रेस के नेता ने नेरुल पुलिस थाने में किए और साथ ही नवी मुंबई महानगर पालिका के वार्ड अधिकारी को भी शिकायत पत्र सौंपे हैं। फिलहाल देखना होगा कि इसका नतीजा क्या निकलता है। महामारी के इस घड़ी में सरकार नागरिकों से भले ही अपील कर रही हो कि वह अपने घरों में रहें, पर मुनाफाखोर कालाबाजारी करने वाले मानो गिद्ध की तरह नज़र गड़ाए हुए हैं। उन पर इन बातों का कोई खास असर पड़ता नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ नवी मुंबई पुलिस कोविड-19 में जनता की सेवा करते हुए थक सी गई है शायद, और यही बात है कि अब तक इस जुए के अड्डे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पूरे विषय पर एक समाज सेवी से बात की गई तो आप भी सुने उनका क्या कहना था। वीरेंद्र जी, ये बताएं कि क्या मुद्दा है, किन बातों से आपको तकलीफ है? जैसा कि आपने बताया कि हमने पुलिस में भी पत्र व्यवहार कर लिया है, तो किन बातों का उल्लेख पुलिस के साथ किया है, क्या ऐसी बातें हैं? सर जी, आप देख रहे हैं 3 महीना पहले लॉकडाउन था, अभी लॉकडाउन खत्म होने के बाद अभी सब दुकान चालू होने लगे हैं। हाँ। लेकिन वो हिसाब से अपने इधर क्लब चालू है जी। क्लब में तो ऐसे क्लब में है कि उसके अंदर मास्क नहीं लगा रहे, पालन नहीं करे वो लोग। अच्छा। और लोग जरूरत बेच के उधर क्लब में काम कर रहे हैं जी। तो इसमें कोई आपके अपने भी क्लब में जुआ खेलने जाते हैं क्या? नहीं सर, मेरे दोस्त लोग जाते हैं। अच्छा। लोग का मैंने देखा, कुछ लोगों ने अपना जरूरत बेच के वो क्लब में जुआ खेलने के लिए गए थे। हाँ। वो हिसाब से मैंने पुलिस स्टेशन में भी लेटर दिया है, अपना वार्ड ऑफिस में लेटर दिया है जी, लेकिन पुलिस कुछ कार्रवाई कर रही नहीं उसके। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि क्लब पूरी तरह से बंद हो जाए? क्लब बंद होने चाहिए, लेकिन उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का कुछ उसको करेंगे। नहीं, तो जाहिर सी बात है कि जब अवैध धंधे चल रहे हैं तो अवैध धंधे तो बंद होने ही चाहिए, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो। उनको कोई लाइसेंस तो मिला नहीं है, लाइसेंस मिला गया कोई क्लब खोलने का? नहीं, तो अवैध धंधा है तो बंद होना चाहिए। तो आपने पत्र व्यवहार किया है अगर सरकार से, पुलिस विभाग से, तो जाहिर सी बात है उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। आप यही मांग कर रहे हैं सरकार से? अपन निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द वो क्लब बंद होना चाहिए जी। बस आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, ये बताइए कि ये क्लब कहाँ पर है, कहाँ पर, किस इलाके में? सुरोनामा सेक्टर एक में दीपिका बार के पीछे एक क्लब चालू है जी। क्लब रहने के कारण पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं करे उसको। तो यहाँ पे शराब वगैरह सब चलता होगा क्लब में, जाहिर सी बात है शराब चलता रहेगा वो, जाहिर सी तो बात है, वो क्लब में तो जाएंगे तो शराब पियेंगे। फिलहाल देखना यही होगा कि नवी मुंबई नेरुल पुलिस जुए के अड्डे पर कार्रवाई करते हैं या देते हैं उन्हें अवैधान। नवी मुंबई से हमारे प्रतिनिधि गोपाल साह की रिपोर्ट।